देखो हमारे यहाँ इतने दिन हल्दी चढ़ती है, ये देखो भर भर के लगाई जा रही है। पानी लाला जी को हम ठंडो पानी डाल रहे हैं, भगवान ठंडो तना निकाल दी बाहर ना लग जाए। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो फाइनली आज मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। एंड पता है मैं अभी आई हुई हूँ, मतलब मेरी जो सासू माँ है मैं उनके मायके आई हुई हूँ, तो मतलब मैं रुद्रांश के पापा के मामा के यहाँ आई हुई हूँ। और यहाँ पे है शादी का प्रोग्राम, एंड की शादी है तो आज है मंडप, मतलब हम लोग आज ही आए हुए हैं क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, क्योंकि दोपहर में हम लोग आए हुए थे। एंड हम लोग आए हुए हैं शादी अटेंड करने के लिए, पे दो तीन दिन रुकेंगे क्योंकि लड़के की शादी है, तो लड़के की शादी में अच्छा खासा टाइम लगता है, मतलब दो तीन चार दिन की शादी जो रहती है, फिर एक दिन मंडप रहता है, फिर दूसरे दिन खाना, फिर तीसरे दिन बारात जाती है, फिर चौथे दिन बहू आती है, तो वो तीन चार दिन का प्रोग्राम रहता है। तो आज है मंडप और हम मंडप के दिन ही आए हुए हैं। मम्मी पहले आ गई थी और हम रुद्रांश के पापा एंड रुद्रांश के दादू, हम इतने लोग ही अभी आए हुए हैं। तो चलिए मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, एंड काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और अभी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि शादी वाले ब्लॉग हैं, तो शादी वाले ब्लॉग तो सभी लोग इन्जॉय करते हैं, जब हम इन्जॉय करते हैं तो आप लोग तो और भी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। सब लोग ना अपने अपने काम में लगे हुए हैं क्योंकि शादी वाला घर है ना, तो शादी वाले घर में बहुत सारे काम रहते हैं, तो वही है ना, आज मंडप है, मंडप में बनता हमारे यहाँ कच्चा खाना, मतलब जो भी रोटी सब्जी कढ़ी दाल चावल पापड़ मतलब ये सब बनते हैं, तो आज वो बनेंगे एंड उसी की तैयारियाँ चल रही हैं शाम के खाने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी मैं यहाँ बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग मिलेंगे। एंड मैंने कल लगाई थी मेहंदी, तो ये देखिए मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई, कलर ये देखिए कितना अच्छा आ गया मेरी मेहंदी का। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड आज तारीख है 17 अप्रैल है और शादी है 19 अप्रैल की, तो ब्लॉग में बने रही है एंड तक। होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाती हूँ मैं सब लोग क्या क्या काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पंगत के लिए बन रही है रोटी, मैंने इधर भी रोटी बन रही है मामी और की। गाना गा दो, बैठ जाओ। गाना गा दे, गाना गा दे, गाओ आप। हम गाओ, हाँ आप गाओ फिर हम। हमें आते ही नहीं है, आप गाओ पीछे पीछे हम गा ले। तो यहाँ पे पंगत के लिए रोटियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं, ये बन रही हैं एंड ये वाले चूल्हे पे बन रही हैं, वहाँ पे पापड़ फ्राई हो रहे हैं पंगत के लिए। एंड नानी पीस रही है यहाँ पे शक्कर, शक्कर पीस रही है, देखो है ना नानी, शक्कर ही है ना। हाँ ये देखो, तो ये हो गया है कलश रेडी यहाँ पे, क्योंकि अभी आए हुए हैं मामी है ना, वो मामी के मायके वाले आए हुए हैं, तो उनके लिए टीका करेंगे, तो हल्दी चावल और एंड वो बतासे रखी हुई है थाली में, तो वो खिलाएंगे, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखो ये है मामी, मामी के मायके वाले आए हुए हैं, फिर बन रहे हैं कढ़ाई में चावल, ये देखो चावल डल रहे हैं कढ़ाई में ऐसे। ये सब का पानी पिला रहे मौसी जा रही है कलश रख के, क्योंकि जो मामी है ना उनके मायके से आए हुए हैं, इसलिए टीका होगा और उनको अंदर बुलाएंगे, तो ये सब लोग जा रहे हैं उसी के लिए बाहर, सब लोग जाएंगे गाते हुए जाएंगे। एंड वहाँ पे वो लोग भी बैठे हुए हैं, तो वो भी गा रहे हैं। मामी आ रही है टीकाकरण, अपनी भाभियों को लेने जा रही है, भाभी भाइयों को। ये देखो हमारे यहाँ के गाने, बुंदेलखंडी गीत। से
सब अपने अपने काम पे लगेंगे। भैया से नाप के दाल डाल रहे हैं बनने के लिए, इसमें ये देखो नाप के। यहाँ पे चावल भी बन के रेडी हो गए, तो ये निकाल रहे हैं चावल से, बाल्टी से भर भर के चावल निकाल रहे हैं, तो पसा रहे हैं चावल को, मतलब पानी अलग हो जाएगा और चावल उसमें रह जाएंगे दलिया में। यहाँ सबको पानी दिखा रहे हैं, पिवा रहे हो दिखा रहे हो ये बताइया वीडियो जैसी इच्छा हो। तो ये आ गया है भात, मामा के यहाँ से भात आता है मंडप के दिन। सो यहाँ पे डल रहा है मंडप, एंड इसके बाद यहाँ पे मंडप के नीचे लगेगी हल्दी। ये देखिए मंडप डल रहा है, ये देखो पति देव का मंडप खोद रहा है, बीच की खुनिया खोद रहा है। मेहनत लग रही है क्या? लगती है चार वो तो लग गए हैं चार खम्भे, बीच वाला खम्भा रह गया है, तो बीच वाला खम्भा खोद रहे हैं ये, एंड उसके बाद इसके ऊपर डलेंगे ये पत्ते एंड बांस डलेगा। रमदूला बज रहा है यार। हरा मंडप रेडी हो गया। तो ये सामान जाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे रात में चढ़ा था तेल, एंड अभी वाला सामान जाएगा मंडप के नीचे। और ये है पटली जिस पे बैठाला जाता है दूल्हा एंड दुल्हन को, एंड इसी पे बैठ के फिर तेल चढ़ता है एंड हल्दी चढ़ती है। तो यहाँ पे अभी तेल चढ़ना स्टार्ट होगा, और ये बैठ गए हैं दूल्हे राजा ये सब गाने के लिए बैठे हुए हैं एंड तेल चढ़ाने के लिए। तेल चढ़ने के बाद हल्दी, सपना लेके खड़ी हुई हल्दी ये देखो हल्दी से पूरा लपेट है, भर भर के हल्दी लगाई जा रही है। अबे तो 3 दिन लग रहे हैं, 3 दिन काहे को लग रहे हैं, बस कल और लगेगी। कल सवेरे लगा, शाम में लगेगा, कल ही कल सुबह लगेगी, बस शाम के लगे लगाते हैं। बस पर नहीं लगे ना साम दीदी, हम आए थे 5 ही 3 चढ़ा पाँच ही हल्दी लगा, हम आए थे तो 3 कितना से चढ़ते, हमारे ऐसे हम आए थे 5 दिना से। ये देखो हमारे यहाँ इतने दिन हल्दी चढ़ती है, ये देखो भर भर के लगाई जा रही है, भर भर के। तो होते कैसे लगा? अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी पानी लाला जी, वहाँ ठंडो पानी डाल ठंडो हमारे यहाँ हल्दी ऐसे चढ़ती है एकदम भर भर के, थोड़ी थोड़ी नहीं बिल्कुल ऐसे। तो इरादा क्या है मुंह में खिलाने का, अभी देखो तो जरा उनके मुँह में भर गई, खाना माना मैं सब जगह भर गई। दो मैं पूछूं ठीक है, ठीक है दीदी बड़े पानी अपना हर दी नहीं मिली। ये देखो कैसे चेहरे दिख रहे हैं होली खेलने के बाद, अब मामी बची है मामी के ऊपर, मामी को बुखार चढ़ो।
अरे दिखा दो मैं लाइन से जरा कैसे लग रहा है सब्जी नहीं देखो सबकी शक्ल बोला कर रही हूँ ए माई कहाँ भग गई कहीं मैं माई कहाँ चली गई कौन माई वो यहाँ बैठी थी छोटी माई वो चक गई हो जाओ देखो आपको वाला बोल दिया सही तो चक्का चुका